नमस्कार, मैं हूं दिवाकर कुमार। आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय आम बजट पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2022 का आम बजट संसद में पेश किया है। इस बजट में क्या कुछ प्रावधान किए गए और किस तरीके से, जो हम कह सकते हैं कि 25 साल का रोड मैप तैयार करने की बात भी कही गई है कि इस बजट में उसकी भी झलक देखने को मिली है। हम तमाम अपने जो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं उनके साथ हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ किस तरीके से एक बुनियादी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर इस बजट पे फोकस किया गया है उन बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे, और टैक्स को लेकर, क्योंकि टैक्स पे लोगों की हमेशा निगाहें लगी रहती है आम बजट पर, उस बार उसमें क्या प्रावधान किया गया है। लेकिन क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है लेकिन दूसरे प्रावधानों में कुछ बदलाव किए गए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तीन खास मेहमान है, सबसे पहले उनका परिचय कराते हैं। राकेश मिश्रा जी, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर विकास सहाय जी हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अमन जी हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से बजट में प्रावधान किया गया है। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि बजट में लोगों का सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो होता है वो होता है टैक्स स्लैब को लेकर। सर, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है लेकिन और भी कई चीजें सहूलियत दी गई है, किस तरीके से आप देखते हैं? ये बदलाव इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि एक आम शिकायत रहती है कि जो इंडियन टैक्स लॉ है उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, टैक्स रेट हर बार चेंज होते हैं, तो उसके लिए एक निश्चित जो प्रक्रिया है उसको निर्धारित करने के हिसाब से इस वाले बजट में कोई भी टैक्स रेट में परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन थोड़े बहुत जो परिवर्तन थे उसमें किया गया है, टैक्स लॉ है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें काफ़ी लीगैलिटी है। एक तो कुछ सरचार्ज जो टैक्स हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर एक ऑल्टरनेटिव मिनिमल टैक्स होता है उसके ऊपर जो लगता था, ज़्यादा लगता था, उसको एडपार किया गया, तो कुछ ऐसे छोटे मोटे चेंज किए गए हैं। दूसरा, एक जो सबसे इसमें अच्छा प्रोविजन किया गया है कि हमारे यहाँ अगर आप रिटर्न भरते समय आपसे कोई ओमिशन या कमीशन हो जाता था जी, तो उसके लिए फिर 148 का प्रोविजन था। एक जब ड्यू डेट होती थी रिटर्न की, उसको फाइल करना मुश्किल होता था। और हम काफ़ी टेक्नोलॉजी इंटेंसिव डिपार्टमेंट होते जा रहे हैं, काफ़ी हमारे पास डेटा है जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा ये टैक्सपेयर को लगता था कि कुछ चीज़ें उसको डिक्लेयर करनी चाहिए थी, चाहे वो जानबूझकर या अज्ञानवश जिस भी कारण से, वो नहीं कर पाया था। तो सरकार ने इस बार, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर एक प्रोविजन लेके आए हैं इस बार कि 2 साल तक आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं यदि वो ट्रांजेक्शन आपने कुछ छोड़ दिए और उसको आप टैक्स पे करना चाहते हैं। उसमें एडिशनल टैक्स का प्रोविजन है, वो मेरे ख्याल से जो सहूलियत मिलेगी करदाता को, जो उससे लिटिगेशन आदि बचेगा, वो काफ़ी चीज़ है। एक इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ की गई है कि हम लिटिगेशन रिडक्शन के ऊपर इसमें बात की गई है। अभी तक ये था कि अगर किसी करदाता की कोई अपील कहीं पेंडिंग है और सेम इशू पर कोई हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला पेंडिंग है, तो कमिश्नर के पास प्रोविजन था कि वो एक एप्लीकेशन देकर ट्रिब्यूनल से ये रिक्वेस्ट कर देता कि जब तक वो फाइनलाइज नहीं होता तब तक आप इसे रोके रहिए। अब इसमें ये प्रोविजन है, ये लॉ के अंदर ही आ गया है कि अगर उस करदाता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो जब तक उसका निर्णय नहीं आता तब तक ये अपील नहीं फाइल की जाएगी उसके केस में। और जिस करदाता की अपील है, और ये अपील नॉर्मली डिपार्टमेंट जो फाइल करता था फेवरेबल डिसीजन में, तो ये कुछ छोटे मोटे बदलाव हैं कि जिससे कि लिटिगेशन मैनेजमेंट होगा, हमारा टैक्स बेस बढ़ेगा। एक जो अभी आपने देखा है डिजिटल करेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके ऊपर जो एक बड़ा संशय था स्पेशली इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जो इंटरनेशनल हमारे इन्वेस्टर्स हैं कि उसका टैक्स कैसे करना है, तो उसमें अमेंडमेंट आ गया, एक प्रोविजन कर दिया गया और उसके बारे में जो संशय था वो अब लगभग समाप्त हो गया। विकास जी, किस तरीके से आप देखते हैं इस बजट को? अगर हम कहें कि लब्बू लुबाब किस तरीके का बजट है, कि विकास की जो रफ्तार या जो हमारा आर्थिक सर्वे में जो चीज दिखाई गई कि हमारा जो ग्रोथ है, हमारा जीडीपी रफ्तार से बढ़ेगा, और जिस तरीके से आज बजट लाया गया, लगता है कि वो चीजें मीट करेगी? हाँ दिवाकर जी, इसमें मेरा कहना है कि इस बजट को आप जब डिवाइड करोगे तो 3 चीजों में आप डिवाइड कर सकते हो। पूरे बजट को एनालिसिस करेंगे, पहला ये बजट मैक्रो बजट है विथ फोकसिंग ऑन द माइक्रो थिंग्स, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देके एक मैक्रो 25 साल का विजन पे बजट शो बनाया गया है। सेकेंडरी ये बजट कैपेक्स बजट है, कैपेक्स इन्वॉल्वमेंट है। आप नॉर्मली बैलेंस शीट में देखोगे कैपेक्स क्यों यूज किया जाता है, कि आने वाले टाइम में कैश फ्लो जनरेट हो, राइट? तो ये कैपेक्स बजट है। और तीसरा बहुत ही ब्रेवरी बजट है इन टर्म्स ऑफ, जैसे एक नॉर्मल जो फिनोमेना है, नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है कि इनकम टैक्स में बदलाव आएगा, तो गवर्नमेंट ने यूपी का इलेक्शन होते हुए भी, मैं कोट करूंगा, गवर्नमेंट ने ये चीज नहीं दिया। गवर्नमेंट ने रादर ये समझाने की कोशिश की कि अगर हमारा जीडीपी 9% के हिसाब से बढ़ता रहेगा
तो अल्टीमेटली ये कैश जनरेट होगा, सिस्टम में आएगा, जिसे मेजरमेंट जो कैश जो बनेगा, मेजर जो फायदे होंगे वो मिडिल क्लास लोगों को होंगे जो टैक्स स्लैब्स में आते हैं। तो मैं जो बताया आपको मैक्रो बजट विद द माइक्रो छोटे छोटे बातों को लेके फोकस किया गया है, तो ये मेरा कहना है बजट को लेके। अभी मैक्रो को आप डिफाइन करोगे तो आप जो इम्पोर्टेंट दो चीजें मैं आपको उसमें जो नोटिस करने वाली है, पहला ये जो गवर्नमेंट ने एक ईवी इंफ्रा पे ध्यान दिया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंफ्रा जो बनाने का है, और दूसरा ब्लेंडेड क्रूड पे ध्यान दिया है। जो आप ऑयल बना रहे हो, जो क्रूड आ रहा है, तो इंडिया मेजर इम्पोर्ट करती है क्रूड, तो ब्लेंडेड का है कि अगर आप ब्लेंडेड यूज नहीं करोगे तो 2% एक्स्ट्रा आपको ड्यूटी लगेगा। तो ब्लेंडेड का मीन्स क्या है, यहाँ पे आप समझो इस चीजों को कि गवर्नमेंट का अपना एक टारगेट है कि ब्लेंडेड में 25% इथेनॉल डालो, 75% क्रूड डालो। तो इथेनॉल कहां से बनता है, शुगर के मोलासेस से बनता है, तो अगेन वो शुगर इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। तो छोटे छोटे चीजों पर ध्यान देके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो इस पूरे बजट में हर छोटी चीजों पर ध्यान दिया गया है, डिजिटलाइजेशन पे ध्यान दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया है, बहुत छोटी छोटी बातों पर जो एक बेस बनेगा, और ये आने वाला जो कंसोलिडेशन होने वाला है इससे एक बड़ा बेस और एक माइक्रो थिंग जो 25 साल का हम लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ थिंग्स। क्या अमन जी, अमृत काल का बजट इसे कहा जा रहा है, तो किस तरीके से आप देखते हैं टैक्स की बात, एक आम जनता के नजरिए से अगर देखा जाए इसको, तो जैसे हम लोग की बजट पे क्या एक नजर रहता था, तब हम लोग जब अखबारों में या तो निकलेगा तो कल अखबार में निकलेगा ये चीज सस्ता हुआ, ये महंगा हुआ, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, मेजर हेडलाइंस यही होगा। तो उस नजरिए से अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि ये आम आदमी के लिए कितना हितकारी बजट है? देखिए, आम आदमी जो है वो टैक्स से ज्यादा जो सामान पे टैक्स लगता है उसको लेकर चिंतित रहता है। हम लोग जैसे नौकरी पेशा लोग वो इनकम टैक्स को लेकर चिंतित रहता है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। जैसा कि मिश्रा जी ने भी कहा कि थोड़ा अपनी जो इकोनॉमी है और अपना टैक्सेशन है उसको थोड़ा स्थिर रखना जरूरी है, नहीं तो क्या होता है कि बार बार जो है उसे चेंजेस आते हैं तो उसका कुछ दुष्प्रभाव पड़ता है। लेकिन आम आदमी के लिए बहुत कुछ है बजट में, जैसे कि आप अगर सरकारी कर्मचारियों की बात कीजिएगा तो एनपीएस में जो है वो 14% इस बार से हुआ है कि आपका काटेंगे, भागीदारी दे सकते हैं। तो ये बहुत लंबी मांग थी, बहुत दिनों से ये मांग चली आ रही थी, क्योंकि एनपीएस से पहले जो कर्मचारी है उनकी जो है वो 14% कट रही थी, लेकिन उसके बाद लोगों को नहीं कट रही थी। तो ये तो फायदा है। इसके अलावा जो आप देखिएगा छोटे छोटे जो सामान है, जैसे चमड़ा का सामान है, कई कपड़ा का सामान है, जैसे मोबाइल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो दूसरे कुछ आइटम्स है उस पर टैक्स कम हुआ है, तो उस पर टैक्स कम होने का सीधा जो फायदा है वो आम आदमी को जरूर मिलेगा। और लेकिन क्योंकि बजट जो है सिर्फ आप छूट जो है उसी को नहीं दिखाएगा, आपको एक बेहतर अर्थव्यवस्था भी दिखलाना है। एक टारगेट जो प्रधानमंत्री जी ने सेट किया है वो वही वाली बजट, नहीं तो अमूमन जो जिस तरह से विकास जी ने भी कहा कि 5 राज्यों के भी चुनाव हैं, लेकिन फिर भी ये चुनावी बजट नहीं है, शायद ये देश में लगातार ये कहा जा रहा था कि ये बजट जो होगा वो चुनावी बजट, लेकिन नहीं हुआ। इसका मतलब कि आप देख लीजिए कि दृढ़ निश्चय है इस बजट में, दृढ़ निश्चय सरकार ने किया कि हम अगर 8.5 की बात हो रही है कि उस आंकड़े को हमको छूना है, विकास जीडीपी हमारा जो जी। इसके अलावा आप देखिए रोड के सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट की बात है उसमें जो पैसा है, तो उससे रोजगार भी सृजन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, तो और भी आपको कई विकास की जो आयाम है वो देखने को मिलेगा। तो मुझे ये बजट बड़ा संतुलित नजर आ रहा है, और आने वाला जो 25 साल है, हालांकि कई लोग इसमें कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो है 25 साल तक कैसी रहेगी, लेकिन आपको नींव तो मजबूत रखनी होगी, 25 साल बाद क्या होगा उस तो नींव ही बताए, मतलब एक फ्यूचर प्लानिंग के तहत इस चीजों को रखा गया है। सर, एक चीज हम लोग समझने की कोशिश कर, कहा जा रहा है कि 2022 में आरबीआई डिजिटल करेंसी लेकर आएगी, ये डिजिटल करेंसी का क्या मतलब है और इसको किस तरीके से जैसे हमारे जैसे आदमी या जो दूसरा आम आदमी है उसको किस तरह से फायदा होगा? देखिए, अभी आपकी करेंसी क्या है, पेपर करेंसी है, आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करते हैं, तो जब पेपर करेंसी में आपको नोटों का सिक्कों का आदान प्रदान करना होता है, डिजिटल करेंसी जैसा आपने देखा होगा कि जो क्रिप्टो करेंसी है इसके कुछ फायदे हैं, कुछ इसमें कुछ सुविधाएं भी हैं। एक तो इसका जो कॉस्ट है, आप पेपर जब छापते हैं, नोट छापते हैं, तो उसमें कॉस्ट आता है, फिर नोट आपकी उसके एक शेल्फ लाइफ होती है, कुछ समय के बाद में वो खराब हो जाता है, उसको चेंज करना पड़ता है, तो आरबीआई को उसको एक कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। डिजिटल करेंसी चूंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके प्रयोग की जाएगी, अभी तक ये अनरेगुलेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई थिंक इंडिया इज टेकिंग द लीड
कि डिजिटल करेंसी इसको अपनाए, तो एक तो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहेगा, दूसरा जो नॉर्मल करेंसी में रहता है फेक करेंसी की जो वो सब, तो बहुत सारे इसके फायदे हैं। एक आम नागरिक चूंकि अब हर व्यक्ति जो है यूपीआई से पेमेंट करने का अभ्यास हो गया है, इसलिए डिजिटल करेंसी का उसका प्रयोग जो है शनि शनि जैसे भी बनेगी, वैसे अभी इसके ऊपर काफी कुछ विचार होना है। आरबीआई ने एक कोर टीम शायद पहले से बना रखी है जो इसके ऊपर मंत्रणा करेगी। टेक्नोलॉजी चूंकि अब हमारी इतनी अवेलेबल है कि हम इसको नेशनल लेवल पे प्रयोग कर सकते हैं, इसको ला सकते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छी है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन आजकल हम सब चीजों में हो रहे हैं, जैसे कहा जा रहा है कि हमारे जो पोस्ट ऑफिस हैं वो उसमें भी डिजिटलीकरण की बात हो रही है, तो लगातार जैसा कि आप भी बता रहे थे कि इनकम टैक्स भी जो डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से डिजिटलीकरण वहां बहुत ज्यादा हो चुका है, और जो चीजें हैं या तो इनकम टैक्स फाइलिंग की जो चीजें वो बहुत आसान बनाई गई, तो उस तरीके से हमको लगता है कि इस तरह की चीजों का फायदा होगा। यहाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने बजट के जो बेसिक प्रोविजन देखे होंगे, ये बड़ा फ्यूचरिस्टिक बजट है और ये समय के साथ चलने वाला, जो तकनीक जो अवेलेबल है उसको लेकर चलने वाला है। ड्रोन एज ए सर्विस एक बहुत अच्छा इसमें प्रोविजन है जो एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी प्रभावित करेगा, जो लैंड रिकॉर्ड है उसका काफी सरलीकरण होगा, और डिजिटल करेंसी एक दूसरा इसमें एस्पेक्ट है। तो ये छोटे छोटे चीजें जो सरकार समय के साथ चलने वाली है, ये फ्यूचरिस्टिक और विजनरी बजट है, मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा। विकास जी, एक चीज लगातार आप सेंसेक्स को भी बहुत माइंडली देखते हैं और जुड़े हुए हैं, तो किस तरीके से, जैसे आज एकदम बाजार सुबह बहुत उत्साहित था लेकिन बजट पेश करते करते और बजट खत्म होते होते बाजार एकदम से गिर गया और फिर शाम होते होते रिकवर हो गया, मतलब क्यों बाजार इस तरह से इतना लगता है कि वोलेटाइल इस तरह से रिएक्ट करता है? पहले तो मैं आपको बोलूंगा निफ्टी को बजट से लिंक करना ही नहीं चाहिए। कोई पैरामीटर्स ही नहीं है बजट, निफ्टी बहुत सारे चीजों से चलता है, लॉट ऑफ उसमें पैरामीटर्स होते हैं, तो बजट से कोई लिंक नहीं है। बजट जो ऊपर नीचे हुआ वो एक तरह से जो एक्टिव ट्रेडर है वो अपने हिसाब से स्पेकुलेशन उन्होंने किया, क्योंकि एक आशा था बजट से उनको, अभी नॉर्मल एक एक्सपेक्टेशन था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 10% से 5% हो जाए कुछ ऐसा, तो उन्होंने कुछ किया भी था। जो 5 करोड़ से ऊपर वाले जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका सरचार्ज 30% था उसको घटा के उन्होंने 10 से 15% किया, 15% कैप किया, एड पार कर दिया उसे, तो इस कारण से चीज है। बट नॉर्मल लोगों के लिए वैसा बजट, आम लोगों के हिसाब से बजट ये नहीं था। सर ने एक चीज बोला जो क्रिप्टो करेंसी को लेके आप बोल रहे हो, ये गवर्नमेंट का जो विजन है, जैसे आप नॉर्मल अभी एक्सचेंजेस में आप शेयर को खरीदते बेचते हो, तो क्रिप्टो करेंसी भी क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक इंडस्ट्री ही है। तो इंडियन गवर्नमेंट अभी तक एक डिलेमा में था कि इनको लॉन्च करना है कि नहीं, इनको रेगुलराइज करना है कि नहीं, बट स्टिल जो आज अनाउंस किया इन्होंने कि ये जैसे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस में आप करेंसीज को भी ट्रेडिंग कर पाओगे, दैट्स अ क्रिप्टो करेंसी, राइट? तो ये बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है जो वर्ल्ड में ऑलरेडी है, जो एक ब्लॉकचेन मेथोडोलॉजी के साथ चलती है। तो इंडिया में ये लीगलाइज हो गया सो कॉल्ड जब से ये स्टार्ट होगा रिकॉग्नाइज स्टॉक पे। इसमें दो चीज है, एक तो डिजिटल रूपी की बात हो रही है जो हमारे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन लिया, और दूसरा जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है उसको टैक्स करने की 30% जी। वर्चुअल डिजिटल एसेट में ना केवल आपकी ये क्रिप्टो करेंसी आती है, नॉन फंजिबल टोकन वो भी आते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी कुछ। एक चीज और, आज एक बड़ी घोषणा की गई, गति शक्ति जो है अमन जी समेत कई और परियोजनाएं या बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को लेकर, उससे कहा जा रहा है कि रोजगार के एक बृहद आयाम तय होंगे, जैसे 60 लाख लोगों के रोजगार की बात की जा रही है कि तुरंत से जैसे ही ये शुरुआत होगी या लॉन्च होगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जो विकास हो रहा है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि इस तरह की जो स्कीम्स लाने से क्या लगता है कि आम जन अपने आप को इस बजट से कनेक्ट कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि गति शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है कि आप जो कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अनयूज्ड है, ठीक है, तो उसके जैसे ही वो यूज में आएंगे या जो कैबिनेट ने जो बनाया है उसमें नियमावली जो बनाया वो अगर लागू हो गया, ठीक से उस पर काम शुरू हो गया, तो नए रोजगारों का सृजन जरूर होगा। इसके अलावा जो सरकार को जो पैसे की आवश्यकता है, जो आप गौर कीजिएगा कि ये बजट जो है बेसिकली वो खजाने को ज्यादा मजबूत करने वाला बजट है, तो जैसे ही खजाने में ज्यादा पैसा आएगा, वो चाहे गति शक्ति परियोजना से हो या दूसरे परियोजनाओं से, तो
वो पैसा कहाँ खर्च होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा, एजुकेशन पे खर्च होगा, हेल्थ के सेक्टर में खर्च होगा। तो उससे एक तरफ तो रोजगार पैदा होने की संभावना है, दूसरी तरफ जो आम आदमी है जिस तक अभी तक जो है वो योजनाओं का लाभ नहीं मिला है या जहां उनकी जो समस्या है वो दूर होगी। आप जैसे देखिए कि अभी कोविड काल में अचानक हम लोग भी दूरदर्शन जो है पूरे देश के राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम लोग शैक्षणिक कार्यक्रम चला रहे थे। इस बार ऑफिशियली बजट में प्रोविजन किया गया है कि हर क्लास के लिए एक जो है चैनल रहे, चलेगा 200 चैनल की बात, 200 चैनल की बात था, 200 की बात है। तो अगर उस तरह के प्रयोग होंगे तो आपका बच्चा जो केवल मोबाइल पे निर्भर था या दूसरे चीजों पे, वो जो है जुड़ जाएगा उससे। और क्योंकि मैं तो ज्ञान दर्शन चैनल देखता हूँ या हमारे दूरदर्शन से जो लोग पढ़ाते थे, जो एक्सपर्ट पढ़ाते थे, उसका बहुत फायदा हुआ। तो इस तरह से जो है वो बच्चों को फायदा होगा। इसके अलावा जो डिजिटल क्लासरूम की बात हो रही है, डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, क्योंकि कोविड आया तो ऑनलाइन क्लास पे आप गए और अचानक सब कुछ था, लेकिन इसको एक अच्छे तरीके से, एक नियम के तहत, एक मतलब व्यवस्थित तरीके से अगर वो लागू होगा तो देश में जो है शैक्षणिक स्थिति ज्यादा मजबूत होगी। और क्योंकि आपको तो आना ही है डिजिटल पे, बहुत लोग पहले जो है वो डिजिटल ट्रांजेक्शन के विरोधी थे, लेकिन वो लगा कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से इंडिया में बढ़ा वी मैप हो चाहे दूसरे बहुत तरह के आज के तो भारत पे और क्या क्या कितना आपको आना ही पड़ेगा उसका एक तो आप और क्योंकि दुनिया आ चुकी है और आपको आना ही पड़ेगा। तो हर क्षेत्र में इस अगर इस तरह से जो काम शुरू जब हो जाएगा, बजट में जो भी प्रोविजन किए गए, तो रोजगार भी बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा और आम आदमी का जीवन, आप उम्मीद, आप कल्पना कीजिए जब आप 1,000 या 2,000 रुपए निकालने के लिए बैंक में लाइन में लगते थे और आप अभी मोबाइल उठाते हैं और पे कर देते हैं, तो कितना सुगम हो गया जीवन आपका। तो उसी तरह शैक्षणिक क्षेत्र में भी सुधार हो जाएगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी की जो बात हो रही है वो नया कॉन्सेप्ट होगा इंडिया के लिए, और जब हमारे बच्चे उसमें पढ़ेंगे, अगर विदेश जाएंगे तो वो पिछड़ा हुआ महसूस नहीं करेंगे। और ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब देर से शुरू हुई है, जब से प्रधानमंत्री जी ने उसको कॉन्सेप्ट से चर्चा की है और इस बजट में उन्होंने शामिल करवाया है। तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों का फायदा आपको देखने में मिलेगा। सर, क्या लगता है कि कोरोना काल से देश इस बजट में ऐसी कुछ झलक लग रही है कि एकदम से उबर रहा है, या दो साल से जिस तरह से आर्थिक गतिविधियां भी हमारी कम हुई थी, या हर तरह की गतिविधियां प्रभावित हुई थी, चाहे वो हम शिक्षा की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, हर सेक्टर में एक तरीके का डाउनवर्ड्स देखने को मिला था। इस बजट के बाद आपको लग रहा है कि देश अब रिकवर कर रहा है और आर्थिक पटरी पर देश लौट रहा है? दिवाकर जी, यदि आपने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच सुनी होगी तो स्पीच के दौरान उन्होंने एक डॉक्यूमेंट अपने हाथ में लेकर पढ़ा था, और वो जो जीएसटी का कलेक्शन है, आंकड़ा है जो अभी तक का हाईएस्ट आंकड़ा है, वो दिसंबर माह का उनका जीएसटी जो है वो सीधा सीधा इकोनॉमिक एक्टिविटी और देश की जो प्रगति है उसका सूचक है। एक मैं ये कहना चाहूंगा, डायरेक्ट टैक्स हम बाद में कलेक्ट करते हैं लेकिन जीएसटी वो कंकरेंट होता है। जैसे तो जब जीएसटी का कलेक्शन अच्छा हो रहा है कंट्री का, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, और जैसा अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि जो के कर्व था शायद हम उसको अचीव कर गए और उस के कर्व से हम प्रगति कर रहे हैं। थोड़ा इसमें मैं अर्थशास्त्र का ज्ञाता नहीं हूं, बाकी एक्सपर्ट है, लेकिन जो इन्फ्लेशन की जो बात हो रही है ये शायद इस सरकार का कॉन्शियस डिसीजन है कि हम जब तक खर्चा नहीं करेंगे, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जब तक आम आदमी की जेब में पैसा नहीं पहुंचाएंगे, तब तक इकोनॉमी पटरी पर नहीं आ पाएगी, और फिलहाल हमें इन्फ्लेशन पर ध्यान देके इस पर करना है। दूसरी चीज जो इसमें एक अच्छी चीज है कि एक तो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें, जल, जैसे हर घर जल योजना है, वो ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी इन द रिमोट एरिया। अब आप सोचिए कि जो आपका ग्रामीण जो क्षेत्र का जो विद्यार्थी जो पढ़ना चाहता है, जो किसी उसको भी वही एक्सेस मिलेगा जो कि शहर के एक आम आदमी को, या 5G पे बहुत फोकस, 5G के ऊपर काफी फोकस है। तो ये मैंने जैसे आपसे पहले बोला कि काफी विजनरी और फ्यूचरिस्टिक बजट है, जो आज हमारे पास तकनीक अवेलेबल है उसको बजट ने अपने जो भी समाज के और जो सिटीजन के हित के लिए जो भी कार्यक्रम है उस समय उसका समावेश करके रखा और उसके लिए एलोकेशन किया गया, उसके लिए लोकेशन किया गया। क्या विकास जी लगता है कि जिस तरह के प्रावधान किए, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी के साथ अपने आपको मीट करना ही पड़ेगा, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, चाहे फिर अब
शिक्षा की बात करें, सब जगह टेक्नोलॉजी को ड्रिवन बनाना पड़ेगा। और हमको लगता है कि इस बजट में जो उस कॉन्सेप्ट को लाया गया कि नहीं 5G पे हमको फोकस करना है, डाकघर को भी डिजिटल करना है, या जो दूसरे भी हमारी चीजें जैसे एडुकेशन में डिजिटलाइजेशन की बात हुई है, सारे जो प्लेटफॉर्म है उनको जोड़ने की बात हो रही है, तो लगता है कि उस दिशा से अगर हम जोड़े बजट को तो लगता है कि आने वाले दिनों में हमारा ये बजट का बहुत आउटकम अच्छा होगा। देखिए ये तो प्रूवन हो गया कि बजट का आउटकम सर ने बताया ना कि जो GST का एवरेज कलेक्शन 80,000-90,000 करोड़ एवरेज हुआ था, एवरेज कलेक्शन था, ये 1,38,000 करोड़ का है। और हम लोग अभी जस्ट कैलकुलेशन कर रहे थे टीम के साथ बैठ के, तो 3,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ओवर अचीव कर रही है बाय द एंड ऑफ मार्च। दैट मीन्स कि डिलीवर ज्यादा कर रही है, प्रोमिसेस कम कर रही है गवर्नमेंट। अब जब मार्च में कैलकुलेशन करेंगे हम लोग कि गवर्नमेंट ने क्या कलेक्शन यूज किया टैक्सेस से, तो ये तो अल्टीमेटली इसी का परिचायक ही है। डिजिटलाइजेशन से क्या है, आपके इनडायरेक्ट कॉस्टर्स बच रहे हैं, स्पीड बढ़ रहा है, इफिशियंसी बढ़ रहा है आपका, तो ये तो अल्टीमेटली डायरेक्ट बेनिफिट करेगा। सर एक फाइनल कमेंट आपसे सर, कि अगर हम कहें कि ये बजट जो है वो आशावादी बजट है और जिस तरीके से चीजों को रखा गया है उसका फलाफल बहुत अच्छा दिखने वाला है। निश्चय ही ये आशावादी बजट है, ये देश हित का बजट है, सिटीजन सेंट्रिक बजट है मैं ये कहूंगा इसको, और आम आदमी को जो हमारी जो एक परचेजिंग पावर है, जो हमारी जो पॉवर्टी लाइन है उसके जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो हमारे सिटीजन है उनको ऊपर उठाने के लिए प्रयास है। देखिए जब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, चाहे वो रोड हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर से हमें केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता लेकिन जो रोजगार जो जनरेट होता है एक छोटे लेबर के लिए, एक मजदूर के लिए, वो अपने आप में बहुत बड़ी है। वो पूरा एक सर्कुलर चेन हम जो कहते हैं जीवन चक्र है उसमें। क्या विकास जी फाइनल कमेंट, किस तरीके से बजट को अगर हम कहें कि ये हमारे जो डिमांड से आउटकम है और इंडिया एक ग्लोबल पावर बनने वाला है, उस दिशा के लिए इस बजट को मानते हैं? मैं तो लास्ट टाइम भी आपको बात बोला था, मैं इस बार भी बोल रहा हूँ ये बात कि ये बजट, मैं फिर से वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, मैक्रो बजट है विद फोकसिंग ऑन द माइक्रो माइक्रो थिंग्स, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देके ये बजट्स को बनाया गया है। दूसरा कैपेक्स बजट है, मैं कैपेक्स क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कैपेक्स से क्या होता है कैश फ्लो हो सकता है थोड़ा वीक होगा राइट, बट कैपेक्स से चीजें बहुत स्ट्रांग होगी। तो आने वाला टाइम में जो सेट पैरामीटर्स पे गवर्नमेंट का, प्रधानमंत्री जी का है इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ने का, एक बड़ा प्रोजेक्ट है उनका जिस पर वो ऐड कर रहे हैं बहुत बड़ा काम, तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो जो बैलेंस शीट स्ट्रांग होगा इंडिया का इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि ये बजट बहुत ही क्या उसको ग्रोथ ओरिएंटेड एंड कैपेक्स बजट बोल सकते हैं उसको, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। क्या मेरा मानना है कि ये भारत निर्माण वाला बजट है, क्योंकि जहां एक तरफ से रोजगार बढ़ाने की बात हो रही, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है, पैसा को मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लाया जा रहा है, इसके अलावा जो कृषि प्रधान देश है तो कृषि के क्षेत्र में PPP पे कई योजनाओं की बात इसमें हुई है, तो कृषि क्षेत्र में भी सुधार होगा, उसमें भी मजबूती आएगी। तो ओवरऑल ये बजट हर आदमी का बजट है, भले ही आपको अभी लग रहा हो कि टैक्स कम नहीं हुए हैं, लेकिन आपके जीवन को ये प्रभावित करने वाला बजट है और ये आने वाले साल तक जो है आपको प्रभावित करता रहेगा। ये 5G की रफ्तार भले ही आपको इसमें नहीं दिख रही हो, लेकिन ये होम्योपैथ की तरह ये बजट है कि आपको पूरी तरह बगैर साइड इफेक्ट दिए हुए स्वस्थ कर देगा जी। तो हम आज चर्चा कर रहे थे आम बजट किस तरह का है और उसका क्या कुछ फलाफल देखने को मिलेगा। हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान थे जिनसे हम चर्चा किए कि किस तरीके से जो टैक्स प्रावधानों की बात हो रही है, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की बात हो रही है, कृषि में किस तरीके से इसका जो है कह सकते हैं इम्पैक्ट होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ इम्पैक्ट होगा, शिक्षा में किस तरह का इम्पैक्ट होगा, और जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये जो बजट बनाया गया है उससे निश्चित तौर पर समावेशी विकास की जो परिकल्पना है वो पूरी होगी। तो हमारे मेहमान को दीजिए इजाजत, दूरदर्शन की पूरी टीम को विदा दीजिए, नमस्कार।